बाबा खाटू श्याम से अपनी बड़ी लड़की को जज बनने की मन्नत ली थी और अब मन्नत पूरी होने पर अपनी बड़ी बेटी ज्योति पाठक के जबलपुर हाई कोर्ट में जज बनने के बाद 3 माह तक रतलाम निवासी शोभाराम पाठक रतलाम से खाटू श्याम के लिए हाथ में बाबा का निशान लिए हुए पैदल रवाना हो गए हैं। पिछले 14 दिनों की पैदल यात्रा तय करने के बाद देवी से लाल में फूलमय माताजी मंदिर पहुंचे, जहां श्याम प्रेमियों द्वारा स्वागत कर रात्रि विश्राम करवा कर भोजन प्रसादी करवाई। इस मौके पर खाटू के दीवाने पैदल यात्री शोभाराम पाठक ने बताया कि 40 दिनों में 1300 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करने के बाद बाबा खाटू श्याम के दरबार पहुँचूंगा। प्रतिदिन भीषण गर्मी होने के बाद भी 35 से 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। बेटी को जज बनने का जो सपना बाबा ने पूरा किया है उसकी मन्नत उतारने जा रहा हूँ। मेरी मन्नत भी है और जहाँ रात्रि विश्राम करता हूँ वहाँ कन्या के हाथ का बना हुआ भोजन और पानी ग्रहण करता हूँ और कन्या भोजन बनाती है उसके चरण छूने के बाद ही भोजन लेता हूँ। अभी तक मुझे बाबा के आशीर्वाद 14 दिनों में 500 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद भी कोई परेशानी नहीं आई। जगह जगह खाटू श्याम प्रेमी मेरी व्यवस्था कर रहे हैं, आगे भी बाबा मेरे साथ है। से गाँव वहाँ से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। दादा आप कहाँ से आए हो? जबलपुर हाई कोर्ट से। तो आप कहाँ जा रहे हो? खाटू श्याम जा रहे हैं। पैदल जा रहे हो? पैदल जा रहे हैं। आप पैदल खाटू श्याम, क्या मन्नत ली थी? क्या मन्नत ली थी? क्या जज की नौकरी मिली अभी 1 महीना हुआ है। तो मन्नत पूरी कर रहे हैं? मन्नत पूरी कर रहा है। कितने दिन में खाटू श्याम पहुँचोगे? मैं पहुँच जाऊँगा 22-23 दिन में। रास्ते में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। आपकी व्यवस्था कैसी हो रही है? व्यवस्था अच्छी होती जा रही है। जहाँ भी जाते हैं बोल देते हैं कोई कन्या बने होती है। आप भोजन किनके हाथ का करते हैं? कन्या का हाथ का भोजन। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं शोभाराम जी फाटक साहब। और गुड़िया का नाम क्या है जिसकी रोकड़ी लगी? ज्योति फाटक। कहाँ पे जज है वो? जबलपुर हाई कोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।